विष्णुदयाल विष्णुगुप्त अथवा विष्णुदत्त आरंभ में मात्र विष्णु और प्रेम बंधु के नाम से लिखने वाले विष्णु जी 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर गांव में जन्मे विष्णु जी वर्ष 1924 में अपने ननिहाल हिसार में आ गए थे। 1944 तक 20 वर्ष की अवधि के दौरान हिसार में 12 मोहल्ला से ही उनकी आरंभिक शिक्षा, नौकरी और लेखनी का श्री गणेश हुआ। वर्ष 1934 में हिसार से ही हिंदी प्रभाकर होकर जब विष्णु जी ने हिंदी साहित्य के आकाश में अपनी लेखनी का आलोक प्रसारित किया, तब उस आलोक से प्रकाशित महान साहित्यकार को दुनिया विष्णु प्रभाकर के नाम से पहचानने लगी। साहित्य सेवी जय कुमार जैन के पिता स्वर्गीय देव कुमार जैन विष्णु प्रभाकर जी के मित्र थे और दोनों ने स्वाधीनता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाते हुए शिरकत की। देव कुमार जैन जी के साथ विष्णु जी की बहुत सी स्मृतियां हैं। सुभाष चंद्र बोस के हिसार आने पर अभिनंदन ग्रंथ लिखने और हिसार में गांधीवादी चेतना को जागृत करने के लिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने जैसी बातों को याद करते हुए जय कुमार जैन बताते हैं। विष्णु जी अपने पैतृक गांव से छोड़कर अपनी पैतृक गांव छोड़कर वो यहाँ हिसार अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे और यही उनका बचपन बीता और यही उन्होंने अपनी सेवी हाई स्कूल से दसवीं पास की और उसके बाद उन्होंने रतन भी हिंदी में किया और उसके बाद उन्होंने प्रभाकर भी इस यही हिसार से किया और प्रभाकर करने के बाद उन्होंने बीए भी हिसार से ही किया और उसके बाद उनके बाबा जी ने कैटल फार्म हिसार के अंदर उनकी नौकरी लगवा दी थी। उन विष्णु जी ने एक अभिनंदन पत्र तैयार किया था जो 1938 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिसार आए थे और वो अभिनंदन पत्र उन्होंने तैयार करके उनको देना था। अब लेकिन वहाँ वो अभिनंदन पत्र पढ़ा गया लेकिन विष्णु जी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन किसी और जैन मित्र मंडल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने पढ़ा था। जहाँ तक अभिनंदन पत्र का प्रश्न है, वो CID को पता नहीं कैसे लगा कि वो अभिनंदन पत्र विष्णु जी ने ही तैयार किया था, तो उनको नोटिस दिया गया इस बात का कि क्यों ना आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं घर नहीं बैठा लेकिन फिर भी मैं एक्टिविटी करता रहा और मेरे साथ विष्णु प्रभाकर जी से साथ साथ चलते थे। हम लोग हर एक घरों के अंदर छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते थे और उस गोष्ठियों के अंदर जो साहित्य अंग्रेज़ों ने जब्त किया हुआ था वो साहित्य हमारे हाथ में लगा था और हम वो साहित्य वहाँ पढ़ाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लेकिन प्रचार ये करते थे कि भी हम तो केवल हिंदी सिखाते हैं लोगों को और हिंदी के बारे में ही हम बताते हैं सारी बातें। अंग्रेज़ों ने जब पता लग गया तो उन्होंने विष्णु जी को 1942 में विष्णु जी ने हिसार छोड़ना पड़ा और वो दिल्ली चले गए और दिल्ली ऐसे चले गए कि वो वहाँ पर कुंडेवाला अजमेरी गेट के पास कुंडेवाला ने गली है वहाँ वो रहने लगे। हिसार में जब भी वो आते थे तो वो अपने जो उनके मित्र थे अपने मित्रों के साथ जरूर मिलते थे वो, और मित्रों के साथ जब मिलते थे तो हमारे घर पिताजी के साथ जरूर वो मिलते थे। विष्णु जी यहाँ हिसार के अंदर जब रहने लगे तो वो 12 मोहल्ले के अंदर वो रहने लगे थे। 12 मोहल्ला सिटी थाड़े के साथ ही है, वहाँ रहते थे। और विष्णु प्रभाकर जी जब भी हिसार आते थे दिल्ली से तो कुछ न कुछ किताबें वो लेके अपने साथ आते थे और वो चैटर्जी लाइब्रेरी को जरूर देते थे। और उनकी एक और आदत थी कि वो कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता था परिचित व्यक्ति, जैसे हम गए तो वो बड़े खुश होते थे वहाँ पर, और वहाँ वो जरूर एक किताब जरूर उनको वो भेंट कर देते थे।
ये उनकी बहुत अच्छी आदत थी। फिर उन्होंने पत्र लिखा कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ किताबें जो है ना, जो मेरे पास एकत्रित हो गई है, काफ़ी हो गई है, वो किताबें मैं किसी अच्छी लाइब्रेरी को दूँ। और मेरी समझ के अंदर ये है कि इससे अच्छी लाइब्रेरी, चटर्जी लाइब्रेरी से अच्छी लाइब्रेरी कोई हो नहीं सकती, और इसका किताबों का उपयोग छठी लाइब्रेरी भी ही देना चाहिए। मैं और डॉक्टर हिम्मत सिंह दोनों वहाँ गाड़ी लेके गए, तो वो उस वक्त उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बिल्कुल बिस्तर पर ही लेटे हुए थे और वो उठ नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि भाई ये जो जितनी भी किताबें हैं या जितनी भी रखी हुई है, इशारे में कहा ये सारी किताबें जो है ना इनको दे दो, सारी किताबें दे दो। तो हमें नहीं पता था कि वो इतनी किताबें देंगे हमें, तो उन्होंने वो अपनी उनकी पुत्रवधु ने उनको सहारा दे के थोड़ा आगे किया, उठाया, तो उन्होंने अब किताबें, मैं कह दी वाह आप जो है ना एक किताब हमें भेंट करते हो तो दिखा दीजिएगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक किताब हाथ में ली और उन्होंने हमें भेंट करते हुए दिखाई। अपनी निजी लाइब्रेरी थी ना, सारी किताबें उन्होंने हमें भेंट कर दी और हम उनको लाए। उनकी किताबें की तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उनकी किताबें 1000 किताबें थी उनकी। अपनी लाइब्रेरी की जो गोल्डन जुबली बनाई थी, उनके लड़के परिवार के साथ यहाँ पर आए थे और हमने उनका स्वागत भी किया और वे किया। और कुछ ही देर के बाद फिर पता लगा कि उनका विठू जी का 96 साल की उम्र के अंदर उनका देहांत हो गया। कमलेश भारतीय पत्रकारिता और लघु कथा लेखन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। करीब 4 दशकों से पत्रकारिता और कहानी लेखन से जुड़े हुए कमलेश भारतीय 1975 में हिंदी भाषी युवा लेखन शिविर के दौरान विष्णु जी से जुड़े और अंत तक उनके निरंतर संपर्क में रहे। पिछले 29 साल से हिसार में रह रहे कमलेश जी विष्णु जी से जुड़ी हुई अपनी यादों को ताजा करते हुए बताते हैं। विष्णु प्रभाकर जी और हिसार एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के लिए जैसे बने। हालांकि विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मुजफ्फरनगर के पास मीरापुर में हुआ, लेकिन वे वहां कुछ समय ही रहे और उनके पिताजी नहीं थे, चाचा जी देखरेख करते थे। और उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह वे आजीवन खादी ही पहनते रहे। एक बार वे एक जनसभा में से आए थे और उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था कि मैं खादी ही पहनूंगा। उन्होंने आकर चाचा जी से जिद की कि मुझे खादी का कुर्ता पाजामा ले दो। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं ले दूंगा, लेकिन सारी जिंदगी वादा करो कुर्ता पाजामा यानी खादी ही पहनोगे। और यह वचन उन्होंने आजीवन निभाया। उनकी माता जी ने उन्हें हिसार में अपने मामा जी के पास भेज दिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यहाँ वे CAV हाई स्कूल में पढ़े और उसके बाद यहीं, जिसको हम पशुधन फार्म कहते हैं, वहीं पर उनको नौकरी मामा जी ने लगवा दी। यहाँ रहते हुए उन्होंने कम से कम 20 वर्ष बिताए और उन 20 वर्षों में उन्होंने यहाँ पर नाटक मंचन भी किए। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा था, माशाल्लाह मेरे चेहरे को देखो, मैं तब हीरो ही लगता था। इस तरह का उनका बहुत ही हंसने का, मुस्कुराने का, हंसाने का और दोस्ती के स्तर पर बातचीत करने का स्वभाव था। खाना पीना रहन सहन उनका बहुत ही सरल और सादा था, दाल रोटी से या दलिये से आगे नहीं जाते थे। सबसे बड़ी बात जो मैंने उनकी देखी कि वे सादगी पसंद इतने थे कि जब हमने दैनिक टीम के लिए उनको यहाँ कथा कहानी प्रतियोगिता के लिए
मुख्य अतिथि आमंत्रित किया और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का भव्य अतिथि गृह उनके लिए बुक करवाया, कमरा बुक करवाया, उनको दिखाया। लेकिन उन्होंने शाम को यही कहा, नहीं नहीं, मुझे मेरे मामा जी के घर छोड़ो। ये एक ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो ज़मीन से उठा है। यहाँ रहते हुए उन्होंने एक उपन्यास लिखा था आर्य समाज पर, क्योंकि वे आर्य समाजी भी थे, गांधीवादी भी थे। तो आर्य समाज पर उन्होंने उपन्यास लिखा था व्यासनी चाची, और बहुत सारी उनकी जो अप्रकाशित रचनाएं वे खो गईं, नष्ट कर दी गईं, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। और उन्होंने उसी व्यासनी चाची के पास अपना रचनाओं का ट्रंक छिपाया था, ये उनकी बताई हुई बात है। वे हिसार से इतना प्यार करते थे कि कभी भी वो कहते मुझे बुला लो, मैं हिसार आने को तैयार। और कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे कि मैं हिसार आ सकूं, हिसार की उन्हीं गलियों में घूम सकूं और उन्हीं लोगों से मिल सकूं जिनके बीच उठा बैठा मिला और मेरे विचार बने। यहीं से उन्होंने अपनी कलम की यात्रा शुरू की। और हो सकता है वे ज़िंदगी हिसार में ही काट लेते यदि पंजाब पुलिस, उस समय हरियाणा नहीं था, हिसार पंजाब में ही था, यदि पंजाब पुलिस उनके पीछे न लग जाती और उनको एक पुलिस इंस्पेक्टर जो उनके पीछे लगाया गया था उसने सलाह दी थी। उन्होंने खुद ये बात बताई थी मेरे इंटरव्यू में कि काका जी आप हिसार छोड़ जाओ, आप पंजाब छोड़ जाओ और कहीं भी जाकर आप अपनी आज़ादी की अलख जगाओ, यहाँ नहीं चलेगा। मैं तो शायद आपके साथ रियायत कर दूं, लेकिन मेरा अगले आने वाला आपके साथ शायद रियायत ना करे, इससे अच्छा है आप हिसार छोड़ दो। यह उनके हिसार छोड़ने का कारण बना। अहमदाबाद का एक छोटा सा जिक्र मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि उन्हीं दिनों उनकी जो स्वप्नशील पुस्तक शरद चंद्र जी पर लिखी हुई जीवनी आवारा मसीहा प्रकाशित होकर आई थी। तो उनकी आदत थी हमेशा कंधे पर बैग लटकाए रखने की, और उस बैग में आवारा मसीहा होती थी और बड़े चाव से दिखाते थे। उसी आवारा मसीहा ने उनको सबसे बड़ा पुरस्कार दिलवाया, यह उनका अपना कहना है। आवारा मसीहा तो बहुत ही एक चर्चित किताब है, जिसको लिखने के लिए भी उन्होंने 14 साल लगा दिए। कोई लेखक इतने वर्ष किसी एक किताब के लिए नहीं लगाता। विष्णु प्रभाकर जी बहुआयामी रचनाकार थे, क्योंकि वे एक फ्रीलांसर थे। ज़्यादातर जीवन उन्होंने स्वतंत्र लेखन करते हुए बिताया। दूसरा उनका बड़ा उपन्यास है अर्धनारीश्वर। जब मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था तब उन्होंने मुझे एक प्रकार से बहुत प्यार से यह उपन्यास दिया था। और नाटक लिखते थे। उनकी सबसे चर्चित कहानी है धरती अब भी घूम रही है, और उनकी जो सबसे चर्चित लोककथा है वह है बाघा बॉर्डर पर लिखी हुई। ये किसी संस्था की ओर से वहाँ गए होंगे, पाकिस्तान पार करना होगा, अभी कार्रवाई चल रही थी, कागज की भी कहाँ जाना है, कैसे जाना, नाम लिखे जा रहे। तो इतने में ये थोड़ा सा निकलने लगे जहाँ उतार वगैरह बनी हुई है, तो इनको रोक लिया कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। कहते ठीक है नहीं जाता, लेकिन देखते देखते वो पुलिस के लोग भी देख रहे हैं, सैनिक भी देख रहे हैं, विष्णु जी भी देख रहे हैं कि एक बकरी छलांग मार कर पार कर गई। तो इन्होंने कहा क्यों भाई इसको नहीं रोका? कहते ये जानवर है ना, अब देखो कितना बड़ा व्यंग्य किया कि जानवर के लिए कोई बाड़ नहीं, कोई सीमा नहीं, इंसान के लिए इस धरती पर सीमाएं ही सीमाएं हैं, दीवारें ही दीवारें हैं। और मुझे गर्व है, खुशी है कि मैंने इनके साथ एक कथा गुरु के साथ एक सप्ताह लिखने के लिए सीखने के लिए लगाया। आज मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ उनकी याद में विष्णु प्रभाकर पुस्तकालय बनाया गया है। ये भी उस समय भी मैं यहाँ मौजूद था जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ। राज्यपाल उस समय के जगन्नाथ जी आए थे, उनका पूरा परिवार आया था, अतुल जी आए थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब लोग आए थे। उनको भी शायद एक खुशी हुई होगी कि हिसार हमें और हमारे पिताजी को आज भी याद करता है, मैं भी उनको नमन करता हूँ।
सर्वोदय भवन पिछले 6 दशकों से साहित्यिक और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का एकमात्र केंद्र रहा है। वर्ष 1959-60 में पूज्य आचार्य विनोबा भावे अपनी भूदान यात्रा के दौरान हिसार आए थे, तो उन्हीं की प्रेरणा से 11 दिसंबर 1962 को इस केंद्र की स्थापना हुई थी। सामाजिक, धार्मिक सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह केंद्र एक विशेष प्रेरणा स्रोत है। सभी सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और योग संबंधी संस्थाओं की गतिविधियों का यह एक मरुद्वीप रहा है। गोष्ठियों, प्रवचनों द्वारा विचार शक्ति के संचार हेतु यह एक निराला केंद्र है। हिसार के सांस्कृतिक और साहित्यिक पटल पर अपनी अमित छाप छोड़ चुके विष्णु जी की पुरानी बातों को ताजा करते हुए श्री धर्मवीर जी कहते हैं, सर्वोदय भवन की स्थापना के लिए विनोबा जी ने मांग की थी। जब वो भूदान यात्रा चल रही थी तो विनोबा जी ने मांग की थी कि एक हिसार में भी सर्वोदय भवन हो। तो इस बात को बलवंत राय जी तायल ने अपने दिमाग में ढाल लिया और उन्होंने नगर निगम से यह जमीन ली और यहाँ सर्वोदय भवन की स्थापना की। उसके बाद यहाँ जो साहित्य गतिविधियाँ, लाइब्रेरी और एक पुस्तक भंडार होते थे, पुस्तक भंडार जो आज भी चलता हमारा, जब ये साहित्य के लाइब्रेरी हुई इसमें लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा था और लोग यहाँ खूब आते थे। सन 1969 में यहाँ के साथियों ने एक ये रखा कि भाई साप्ताहिक कोई विचार गोष्ठी हो। जो साप्ताहिक विचार गोष्ठी 1969 से लेकर आज तक लगातार चल रही है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोग आए, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, जयप्रकाश जी, विनोबा जी, विष्णु प्रभाकर जी का यह आवागमन बहुत ज़्यादा था। जब भी वो हिसार होते थे तो विष्णु प्रभाकर जी यहाँ रहते थे। दादाजी के साथ उनका बहुत लगाव था और हर रविवार ये गोष्ठी में श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में उनका आना होता था। विष्णु प्रभाकर जी हिसार शहर की शान थी, जो बाद में दिल्ली जाने के बाद उनका आना जाना कुछ सर्वोदय भवन में कम हुआ। और सर्वोदय भवन की जो गतिविधियां हैं, जैसे पुराने समय से चल रही थी, आज भी वही गतिविधियों सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। विष्णु प्रभाकर जी जो हिसार की शान है, वो दिल्ली जाने के बाद भी जब सर्वोदय भवन में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था, लगाव था, खाली सर्वोदय भवन से नहीं, पूरे हिसार शहर से उनका लगाव था। जैसे हमारी चटर्जी लाइब्रेरी है, सर्वोदय भवन की लाइब्रेरी है, जैन लाइब्रेरी है, पुस्तकालयों और पुस्तकों के बड़े प्रेमी थे वो। विष्णु प्रभाकर जी और दादा गणेशी लाल जी और साथ में सुरेंद्रनाथ जी गुप्ता, उनके साथ जो उनका आवागमन मैंने देखा 83 के बाद भी, तो वो ऐसे मतलब प्रेरणा लायक रहा। जर्जर अवस्था में भी सर्वोदय भवन की गोष्ठियों में वो बोल के गए हैं। जब भी कभी हिसार उनका आगमन हुआ, हमने प्रार्थना की कि आप सर्वोदय भवन की सभा में बोलिए, तो उन्होंने सहर स्वीकार किया कि ये तो मेरा अपना स्थान है, ये उन्हीं के लोगों की स्थान है, उन्हीं की देन है, विष्णु प्रभाकर जी जैसे लोगों की। विष्णु जी की लेखनी का आलोक साहित्य के लगभग हर विधा में फैला और उनकी सशक्त कलम ने, चाहे उपन्यास हो या लघु कथा, नाटक हो या कविता, हिंदी साहित्य को सही मायने में समृद्ध किया है। उनके साहित्य के बारे में बात करते हुए हिसार के साहित्य सेवी और कहानीकार श्री रणजीत सिंह टाडा कहते हैं, श्री विष्णु प्रभाकर जी की साहित्यिक यात्रा हिसार हरियाणा से ही आरंभ हुई, जो यहाँ लगभग 2 दशक तक रहे। उन्होंने पहला नाटक हत्या के बाद लिखा, वो हिसार की नाटक मंडली में भी शामिल रहे, उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने लेखन को ही अपनी वृत्ति बना लिया। उनकी पहली कहानी दिवाली की रात 1931 में लाहौर से प्रकाशित होने वाले मिलाप पत्र में प्रकाशित हुई। श्री प्रभाकर जी को प्रेमचंद की पीढ़ी का
अंतिम कथाकार माना जाता है। उनके कहानी का भाव देश प्रेम, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक विकास रहा है। विष्णु प्रभाकर जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। उन्होंने हिंदी साहित्य को लगभग 100 कृतियाँ दी। उनका साहित्य उपन्यास, कहानी, नाटक, साहित्य स्मरण, बाल साहित्य, कविता, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इन्होंने बाल साहित्य में विपुल साहित्य रचना की। उपन्यास में उनके मुख्य उपन्यास हैं निशिकांत, ढलती रात, अर्धनारीश्वर, दर्पण का व्यक्ति। इसी प्रकार कहानियों में रहमान का बेटा, धरती घूम रही है, इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनके साहित्य सम्मेलन की मुख्य पुस्तकें हैं जाने अनजाने, कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, समांतर रेखाएं, मेरे मीत, मेरे अगर्ज, मेरे हमसफ़र, यात्रों की तीर्थ यात्रा। इसी प्रकार उनकी कविता की एक ही पुस्तक है जो मेरे संज्ञान में है, चलता चला जाऊंगा। इन्होंने कहानियाँ की इनकी बहुत की तो बहुत सी पुस्तकें हैं, जिनमें मुख्य है धरती अभी भी घूम रही है, रहमान का बेटा आदि इनकी मुख्य कहानियों की पुस्तकें हैं। इन्होंने विस्तृत लघु कथाओं की भी रचनाएं की। जैसे उनकी दो प्रसिद्ध मैं जिक्र करना चाहूँगा उनकी लघु कथाओं की, का एक है फर्क, दूसरा है ईश्वर का चेहरा। इन्होंने जीवनी जो उनकी सबसे मशहूर है, जीवनी आवारा मसीहा जो सर चंद्र पर जी ने लिखी हुई है, उन्होंने इसके सिवाय भगत सिंह जी पर, सरदार पटेल पर आदि पर इन्होंने जीवनियाँ भी लिखी है। और इनकी अपनी एक तीन खंडों में उनकी आत्मकथा है पंखहीन। नाटक की इनकी मुख्य पुस्तकें हैं हत्या के बाद, सत्ता के आर पर उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है प्रकाश और परछाइयाँ आदि नाटकें उन्होंने लिखे हैं, जिनका कई नाट्यशाला में इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली है, खेले गए हैं। ये कहानी दो बच्चों नीना और कमल को लेकर लिखी गई है। इन ये मातृहीन बच्चे के पिता एक 20 रुपये की रिश्वत लेने की वजह से जेल चले जाते हैं। तो उनको जेल जाने के बाद में इनके मौसा और मौसी बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद में मौसा मौसी का इनके प्रति व्यवहार बदल जाता है और बच्चे बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। उनका मौसा भी किसी महकमे में, कोई सरकारी महकमे में कलर्क हैं, और वो भी रिश्वत लेते हैं। और घर जब मौसा मौसी रिश्वत की बातें करते हैं तो नीना का बालपन उन चीज़ों को पकड़ता रहता है। वो हजारों में बातें करते हैं, लाखों में बातें करते हैं कि हाकिम और जज सुंदर लड़कियों के बदले काम कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको कुछ पता नहीं है आधार कितने होते हैं, लाख कितने होते हैं। वो सोचती है कि सुंदर लड़की के बदले काम क्यों कर देते हैं, दूसरी लड़की भी तो काम कर सकती है। उनकी बातों से उसको पता लग जाता है कि किस जज ने उनके पिताजी को जेल भेजा है। तो एक दिन अपने भाई कमल को लेकर नीना जज के घर चली जाती है। नीना कोई 10 साल से कम उम्र की बच्ची है और इसी प्रकार से कमल भी 8-1 साल का बच्चा है। वो जब घर पहुंचते हैं उसके, तो बाहर जो उनका जो घर में पार्टी चली हुई, उनके जो बाहर नौकर था उन्होंने उसको अंदर जाने दिया। तो जब वो मिले जज साहब से तो वो उसको अंदर भव्य पार्टी चल रही थी, उनके जज के बेटा और बेटी की कोई नौकरी लगी थी उसी पर ये भव्य प्रोग्राम था। लेकिन जब अंदर गए तो उनको उसके भव्य वातावरण को देखकर वो सुकचुका गए, नीना कुछ नहीं बोल पाई। जब जज की बेटी मनमोहिनी ने पुचकार कर नीना से पूछा तो दृढ़ कंठ से बोल उठी, आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। दृढ़ भाव से कमल बोला, हमारे पास 50 रुपये हैं, आपने एक डाकू को 3,000 रुपये देकर छोड़ दिया है। नीना बोली, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है, महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने
बस 20 रुपये की रिश्वत ली थी। कमल ने कहा, रुपये थोड़े हो तो। नीना बोली, तो मैं 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूँ। कमल ने कहा, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। रटे हुए पाठ की तरह एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे तो न जाने हमारे कथाकार को क्या हुआ, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो क्या हम यह पुनश्च लिखने के को बाकी रहते। धरती अब भी उसी तरह घूम रही है। एक प्रख्यात साहित्यकार अपने परिवार और परिवेश से जुड़े व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव डालता है और उनके प्रभाव से अछूता नहीं रहता। इन्हीं चीजों का सम्मिश्रण उसकी लेखनी और साहित्य को एक अलग पहचान देता है। साथ ही उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू, कुछ खट्टे मीठे पल जिन्हें जानने की उत्सुकता उनके पाठक में बनी रहती है, इस कौतूहल को शांत करते विष्णु जी की सुपुत्रियां और सुपुत्र उनके बारे में कहते हैं। साथ एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान इस शहर का है जो जिसने अपना योगदान दिया और उनको जो भी कुछ उन्होंने सीखा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रभाव था वो हिसाब नहीं पड़ा। किशोर अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक जो एक तरफ तो साहित्यिक यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ उनकी अपनी, वो बड़े हो रहे थे, यानी शादी भी हिसार में रहते रहते हुई और मेरी बड़ी बहन अनीता जो है उनका जन्म भी हिसार में हुआ। और बहुत ही मज़ेदार किस्से भी हैं जो उन्होंने हमें सुनाए। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ कि उनकी जो नानी थी, उन्होंने वहाँ पर उनसे पूछा कि राबड़ी खाओगे? राजी बड़े खुश हुए, उन्होंने कि राबड़ी हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ज़रूर खाऊँगा। तो उनकी नानी ने उनको राबड़ी दी, लेकिन उन्होंने जैसी एक चम्मच मुँह में डाली एकदम से उलट दी। तो नानी हंसी भी लगी, कहने लगी क्यों क्या हुआ बेटा? कहने लगे ये तो रबड़ी नहीं है, मैं तो सोच रहा था रबड़ी है। कहने लगे नहीं बेटा, ये राबड़ी है, ये एक अलग तरह की बाजरे के साथ ये बनाई जाती है। 1931 में उनकी फिर एक कहानी पहली छपी और धीरे धीरे उनके संपर्क और साहित्यकारों से हुए और उन्होंने लिखना आगे उनका बढ़ता गया। भाषण देने की जो कला थी वो भी उन्होंने वहीं पर सीखी और आर्य समाज से संबंध उनका वहाँ पर रहा। तो बहुत अच्छे भाषण देते थे और मुझे बात तक ध्यान है, पिताजी के भाषण में हमेशा भी बहुत ही अभिभूत होकर सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो जिस तरह से वो भाषण देते थे, जिस तरह बात करते थे। वो शुरुआत भी हिसार से हुई। सरकारी नौकरी करते हुए भी वो देश की आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े रहे और साहित्य से जुड़े रहे, क्योंकि पढ़ने का शौक था शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ने का शौक था। तो किताबें खूब पढ़ी, भारतीय लेखकों को पढ़ा, भारतीय लेखकों को पढ़ा और फिर वहीं से हिसार से ही उनको ये बीच उनके अंदर पनपा कि लिखना है। जो भी उस समय के लिखने वाले थे सभी से, सभी की पत्रिकाओं में जो जाना शुरू हुआ तो काफ़ी लोगों को ये शक हुआ कि ये भी क्रांतिकारी लोग हैं। उसके चक्कर में इनके घर पे रेड भी हुई, 2 बार रेड हुई। पहली बार रेड जो हुई तो उन्होंने अपना सारा सामान जो लिखा हुआ था, डायरी यानी सब उठा के अपने पड़ोस में किसी के यहाँ रख दी, लेकिन वो 10-15 पुलिस वाले थे और बहुत बड़ी रेड हुई थी तो जो पड़ोसी था वो डर गया, उसने वो सारी सामग्री जला दी। फिर उसके बाद फिर एक बार 1940 में दोबारा रेड हुई और उस रेड में जो इंस्पेक्टर था वो उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता था कि ये तो अच्छे सामाजिक कार्य करने वाले लेखक थे, तो उसने उनको पहले बता दिया कि भाई हमारे तुम्हारे रेड के लिए आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। और फिर उनको ये कहा कि आप उसको जो उसके शब्द हैं करके उसी सानू बख्श दो, एथो जाओ, कहीं भी जाके क्रांति करो लेकिन यहाँ मत करो। तो उनको कहा कि भाई आप हिसार छोड़ दो, हिसार से चले जाओ और कहीं और जाके क्रांति करना होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे 40 के बाद से धीरे धीरे करके दिल्ली से और उधर से संपर्क बनाने शुरू किए और 44 तक पूरी तरह से हिसार को छोड़ दिया। और जैसे आज़ादी का समय था उस समय जब ये 44 के बाद 45-46 में
जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय जो आकाशवाणी थी, आकाशवाणी में सब मुस्लिम लोग थे ज़्यादातर, लेकिन बंटवारे के समय वो मुस्लिम लोग सब छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद ये हुआ कि अब आकाशवाणी का काम कैसे चले, तो हिंदी वालों को खोजा गया। उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया उस समय कि वो आकाशवाणी के साथ जुड़ गए। उस वक्त से जो जुड़े, फिर वो बहुत लंबे समय तक उसके साथ जुड़े। अपने पिताजी के बारे में मैं क्या बोलूं? मैंने उनके तीन रूप देखे हैं और समझे हैं, एक साहित्यकार, दूसरा इंसान और तीसरा एक पिता का रूप। पिताजी ने अपने प्रारंभिक जीवन में हिसार में रहे, उनका साहित्यिक जीवन भी हिसार से ही शुरू हुआ। वह अपने जीवन में बहुत सरल स्वभाव के थे, परंतु हमने उन्हें किसी के सामने झुकते नहीं देखा। यद्यपि स्वयं अपने जीवन उन्होंने बहुत दुख देखे, जानने वालों ने उन्हें धोखा भी दिया, फिर भी उन्होंने सभी को माफ़ कर दिया। पिताजी के रूप में तो सिर्फ हम उनके बच्चे ही जानते हैं, यह सौभाग्य तो सिर्फ हम लोगों को ही प्राप्त है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार था। हमारे परिवार में 35 व्यक्ति रहते थे और 21 बच्चे थे। हम लोग बच्चे लोग बहुत शोर व दंगा करते थे, किंतु पिताजी इस शोर में भी अपनी कलम के साथ व्यस्त रहते थे। यह देखकर बहुत लोगों को आश्चर्य होता था कि इतने शोर में यह व्यक्ति कैसे लिख लेता है। बच्चों पर पिताजी ने अपनी कोई भी चीज़ नहीं थोपी। हम सब बच्चे अपना भविष्य खुद कर सकते थे। मैंने जब उच्च शिक्षा के लिए पिलानी से इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया तो उन्होंने सहर्ष जाने की आज्ञा दे दी। यद्यपि पिलानी बहुत महंगा कॉलेज है, आज मुझे एहसास होता है कि एक मसीहजीवी लेखक के लिए अपने बेटे को इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाना कितना कठिन था। पिताजी की एक विशेष आदत थी, जो उनको पत्र लिखता था वह अपने हाथ से लिखकर उसका जवाब देते थे। बाद में अधिक उम्र के कारण वह लिखवाकर उत्तर देने लगे। पिताजी ने अपनी सभी रचनाएं आवारा मसीह के बाद मेरे पास नागपुर में रहकर लिखी हैं। अंतिम दो वर्षों में पिताजी बहुत बीमार रहे, शारीरिक कष्ट बढ़ते ही जा रहे थे। 11 अप्रैल 2009 को अपनी अंतहीन यात्रा पर चले गए और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा यह व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी देह को आयुर्विज्ञान को सौंप दिया जाए, जिससे उनके शरीर को छात्रों के काम आ सके। अतः हमने इस इच्छा का मान रखा, जिस पर हम सभी को इस पर गर्व करते हैं। हिसार ही एक ऐसा शहर रहा जहाँ पर पिताजी ने अपनी युवावस्था किशोरावस्था व्यतीत की, वो सर्वोत्तम वर्ष वहीं व्यतीत की। हमारी दादी ने उस समय पिताजी पर बहुत दबाव डाला कि वो विवाह कर लें, परंतु पिताजी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं 26 वर्ष से पहले विवाह नहीं करूंगा। एक बार मैं पिताजी के साथ हिसार गई थी तो पिताजी बहुत ही उत्साह से मुझे अपना कॉलेज घुमा के लाए, कुछ उन स्थानों पर भी ले गए जहाँ वो जाते थे या उनके जो प्रिय स्थान थे। पिताजी हमें बताते थे कि जब वो हिसार छोड़ रहे थे तो उनके घर के सामने एक वृद्ध महिला रहती थी, वो बहुत ही कठोर दिल की थी, उनकी किसी से नहीं बनती थी। परंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि पिताजी नौकरी छोड़कर और हिसार से सदा के लिए जा रहे हैं, तो वो भागी भागी आई और बोली, अरे बेटा तू नहीं लगा ही सरकारी नौकरी छोड़ कर जा रहा, बेटा अगर तेरी तबीयत खराब है तो जा कुछ दिन बाहर घूम कर आ जा। और ये कहते कहते उसका गला अवरुद्ध हो गया। पिताजी भी निरुत्तर रहे और उनकी आंखें नम हो गई। हिसार के उनके घर में आज भी उनकी मधुर स्मृति विद्यमान है। अपनी युवावस्था के कुछ वर्ष विष्णु जी ने अपने मामा श्री प्यारेलाल गुप्ता जी के यहाँ भी बिताए थे। हिसार में अपने मामा के घर के साथ
उनका गहरा लगाव रहा। यहाँ तक कि दिल्ली जाने के बाद भी जब भी उन्हें मौका मिलता वह हिसार में अपने मामा के घर आने और वहाँ रहने का अवसर कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देते। हमारे विष्णु भाई हमारे ताऊ जी थे, वो जब भी यहाँ आते थे वो हमारे घर में ही रुकते थे और उनके जो भी प्रोग्राम होते थे हम उनके साथ जाया करते और आगे आगे बैठ के खुश हुआ करते उनके साथ। और एक दो बार जो हमें हमारे पिताजी सुनाया करते कि जब सुभाष चंद्र बोस जी हिसार आए थे तो उनके सम्मान में मान पत्र जो लिखा गया था वो उन्होंने ही लिखा था और पंजाब सरकार के कहने पर वो यहाँ से दिल्ली चले गए थे ऐसे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी इसलिए हमारे बाबा जी ने उनको दिल्ली भेज दिया था। वो हिसार आर्य समाज के मंत्री भी रहे काफ़ी लंबे समय तक और उन्होंने हिसार आर्य समाज की बहुत सेवा भी की है और आर्य समाज के जो स्कूल थे उनमें भी उन्होंने बहुत काम किया है। सी स्कूल में भी पढ़ के वो यहीं से 10वीं की थी उन्होंने। वो यहाँ आते थे तो एक तो सिंपल खाना खाते थे बिल्कुल दाल रोटी वगैरह। रात को देर से आते थे तो सिर्फ दूध पी के ही सो जाते थे और शाम को अगर समय हुआ तो टहलने भी निकल जाते थे, नहीं मिला तो घर आके बैठ जाते थे सीधे ही। वो हमारी बुआ जी के लड़के थे, जेठ थे मतलब इन बड़े भाई और यहीं पर रहते थे हमेशा। बड़ा प्यार करते थे बच्चों से, मोहल्ले वालों से। मोहल्ले में उनके जान पहचान के बहुत थे बाबू जी के टाइम में। और जब रहते थे लिखते थे, किताबें लिखते थे, वो हमारे को देते भी थे किताबें, उनकी भी बहुत है लिखी हुई हमारे पास। एक कमरा है इसी में रहते थे वो, उसी में सोते थे। खाना वाना बड़े प्रेम से खाते थे, लिखाई का काम भी करते थे और किताबें भी हम लोगों को काफ़ी देते थे। बच्चों से प्रेम करते थे। और पहले तो भाभी जी भी उनके साथ आती थी और वो बहुत अच्छी थी स्वभाव की। एक साहित्यकार की सबसे बड़ी संपदा उसकी कृतियां, उसकी पुस्तकें होती हैं। विष्णु जी ने पुस्तकें लिखी ही नहीं बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा मित्र माना और उनके सानिध्य में सदा आनंदित रहे। उनके शहर हिसार ने पुस्तकों के प्रति उनके अपार स्नेह को पहचाना और राजकीय पुस्तकालय हिसार का नामकरण विष्णु प्रभाकर राजकीय पुस्तकालय करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और खुद को गौरवान्वित अनुभव किया। बदलते समय के साथ कैसे विष्णु प्रभाकर राजकीय पुस्तकालय अपना स्वरूप बदल रहा है कि अधिक से अधिक पुस्तक प्रेमी विद्यार्थी पाठक और साहित्यकार इस पुस्तकालय की पुस्तकों और साहित्य की तरफ आकर्षित हों, इस पर बात करते हुए लाइब्रेरियन श्री हरीश चंद बताते हैं। ये जिला पुस्तकालय हिसार हरियाणा के 3 प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। जब हरियाणा स्वतंत्र हुआ था उस टाइम हरियाणा के अंदर 3 ही जिला पुस्तकालय थे, हिसार, नारनौल और अम्बाला। सरकार के द्वारा 14 अक्टूबर 2011 को इस पुस्तकालय का नामकरण श्री विष्णु प्रभाकर जी के नाम से किया गया था। विष्णु प्रभाकर जी वो विभूति हैं जो हिसार में GLF के अंदर एक कर्मचारी होते हुए साहित्य से इतने जुड़े थे कि जब आप इनके साहित्य को पढ़ोगे तो उनको यहाँ के स्थानीय साहित्य से संबंधित, स्थानीय जीवन से संबंधित, स्थानीय लोकाचरण से संबंधित विवरण मिलेंगे। सरकार के द्वारा इस पुस्तकालय का नवीकरण किया गया है और भवन का पूर्णतः नवीकरण हो चुका है और इसकी जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा कंप्यूटराइज कर चुके हैं हम। और बहुत जल्दी हम एक हिसार शहर की जितने भी पुस्तकें हैं, किसी भी, चाहे वो किसी भी पुस्तकालय में हो, उसका एक यूनियन कैटलॉग हम जारी करने वाले हैं। जब ये सारी साहित्य से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन होंगी और कोई भी पाठक कहीं से भी सूचना के बारे में जानकारी लेगा और वो हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध जो भी पुस्तक उसको डिमांड होगी, आज से मैं अश्योर करता हूँ विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित कोई भी पुस्तक यदि हिसार का पाठक मांगेगा तो उसको हम होम डिलीवरी देंगे। आज के पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है
फिजिकल बुक्स एक सीमित दायरे में हो गई हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनका जितने भी फिजिकल बुक्स हमारे पुस्तकालय में हैं उनका एक अलग से एक सेक्शन बनाएंगे और उनका लिटरेचर, उनके द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर ऑनलाइन हमें किसी भी फॉर्म में कहीं भी मिलेगा, वो हम हमारे पोर्टल के ऊपर उसका यदि पॉसिबल होगा कॉपीराइट के अनुसार तो हम उसको अपलोड करेंगे, और यदि कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है तो कॉपीराइट की अनुपालना में हम उसका लिंक वहाँ डालेंगे। और हमारे यहाँ एक कंप्यूटर की लैब भी बनाने जा रहे हैं ताकि पाठक यहाँ आकर के ऑनलाइन साहित्य को पढ़ सकें। विष्णु प्रभाकर जी के साहित्य के विकास के लिए ये पुस्तकालय अहम योगदान देगा। जैसे जैसे पाठकों को उनके साहित्य के बारे में पता चलेगा, उस महान विभूति के विचारों से लोग अच्छी तरह परिचित होंगे और उनके साहित्य को पढ़कर लोगों के विचारों में भी एक विशेष उन्नति आएगी। कहते हैं बीज कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसे कल्पतरु बनने के लिए उत्तम भूमि की आवश्यकता होती है। नियति ने महानता, विलक्षण प्रतिभा का जो अंश विष्णु जी में स्थापित किया था, उसे प्रस्फुटित कर एक महान साहित्यकार बनाने में हिसार का अमूल्य योगदान रहा है। इसीलिए शायद यह कहना ठीक रहेगा कि हिसार से ही हुए प्रभाकर विष्णु जी।